राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालु अभी से उत्साहित हैं, जिसके चलते ही यूपी से लेकर देश के तमाम हिस्सों में अयोध्या और अयोध्या की तीर्थ यात्रा को लेकर तमाम तरीके की योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदला जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने राम भक्तों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल गुजरात से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर जाने वाले आदिवासियों को गुजरात सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। यह ऐलान गुजरात के पर्यटन मंत्री पूर्णेश मोदी ने किया है। इसको लेकर एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की गई। आपको बता दें कि गुजरात के पर्यटन मंत्री पूर्णेश मोदी ने आदिवासी बाहुल इलाके डांग जिले में सुबीर गांव में मौजूद शबरी धाम में इसकी घोषणा की और कहा कि आदिवासी लोग शबरी माता के वंशज हैं। भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान शबरी माता से मिले थे। अब उनके वंशजों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक मदद भी कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिंधु दर्शन और श्रवण तीर्थ यात्रा के लिए दी जाने वाली राशि के ही समान है। साफ है कि भगवान श्री राम सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहे हैं। श्रद्धालु पहले भी अयोध्या दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन उस समय रामलला का मामला कोर्ट में था और भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे। लेकिन अब उनके भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। अयोध्या को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार के इस ऐलान से रामलला के दर्शन को लेकर आस लगाए बैठे श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है और उनकी अयोध्या की तीर्थ यात्रा बेहद सुगम होने वाली है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। We'll be right back.